नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार नगर निकाय चुनाव 2023 के प्रत्याशियों के फैसले का दनाज। यहां के तालाब से मिली भगवान हरिहर की अद्भुत मूर्ति। स्कूलों में प्राचार्य, शिक्षक व कर्मी बिना बताए रहेंगे गायब तो होगी सख्त कार्रवाई। कोर्ट पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में जाएगा खेला। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस जगह बनेगा राज्य का चौथा एयरपोर्ट। बहुत जल्द ही बिहार वासियों को राज्य का चौथा एयरपोर्ट मिलने वाला है। बता दें कि इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है। मालूम हो कि राज्य में जहां बिहार का चौथा एयरपोर्ट का निर्माण होने वाला है वह पूर्णिया है। इस बात की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण और दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। वहीं उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को भी दरभंगा एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाना है। मालूम हो कि एयरपोर्ट के निर्माण से सीमांचल व उसके आसपास के लोगों को व्यापार और यातायात सहित अन्य कई चीजों में सुविधाएं मिल सकेंगी। बिहार नगर निकाय चुनाव 2023 के प्रत्याशियों के फैसले का दनाज। बिहार के 10 जिलों में 9 जून को संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव की मतगणना जारी है। बताते ही खबर लिखे जाने तक दरभंगा के जाली नगर परिषद के वार्ड 1 से पार्षद पद पर विभा देवी विजयी घोषित की गई है। तो वहीं दरभंगा के कमतौल बिहारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पर रंजीत प्रसाद सबसे आगे चल रहे हैं और उप मुख्य पार्षद पद पर संतोष सबसे आगे हैं। इसके अलावा घनश्यामपुर वार्ड 2 से विकास शर्मा और वार्ड 3 से अमित पासवान आगे चल रहे हैं। बिरौल नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद पर विनोद सहनी और उप मुख्य पार्षद पद पर अख्तर सहनसा आगे चल रहे हैं। पूर्णिया के जानकी नगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 से सुरेश कुमार किस्कु विजयी रहे। वहीं पूर्णिया के रूपौली नगर पंचायत के एक वार्ड पार्षद पद के लिए हुए चुनाव में माइकल सोरेन ने 18 मतों से आसिफ अलवर को पराजित कर खुद के नाम जीत दर्ज की। यहां के तालाब से मिली भगवान हरिहर की अद्भुत मूर्ति। नवादा जिले के सदर प्रखंड के समाय गांव में तालाब की खुदाई में भगवान हरिहर की एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई है। समाय गांव में पूर्व से ही खुदाई के दौरान अक्सर ऐसी कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और कलाकृतियां मिलती रही हैं। वहीं गर्मी की वजह से तालाब के सूख जाने के बाद लोगों को खोया दुर्लभ मूर्ति दिखाई पड़ा। वहीं संग्रहालय के अध्यक्ष शिव कुमार मिश्र ने इस प्रतिमा के संबंध में बताया कि वह 9वीं-10वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति है। भारतीय इतिहास को जानने में इस प्रकार की प्रतिमा का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें अपने मूर्तिकला और 10वीं सदी की ही दुर्लभ मूर्ति अन्य कलाकृतियों को संरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए उस संग्रहालय में सुरक्षित रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के धरोहर मिलने के बाद उसे संग्रहालय में संरक्षित रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत पर नाच कर सके। रिसर्च और इतिहास को जानने के लिए इस प्रकार की प्रतिमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लालू यादव ने बच्चों के साथ केक काट मनाया अपना 76वां जन्मदिन। आज यानी कि 11 जून को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है। इस दौरान उन्होंने अपनी बेटियों के बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, जहां तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य, राजेश्वरी समेत लालू परिवार के कई लोग मौजूद रहे। वहीं लालू यादव के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर विशेष बैनर भी लगाया गया है और पार्टी की ओर से लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर राज्य भर के वे सभी लोग जो गरीब एवं कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए सहभोज का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा अस्पतालों में मरीजों के बीच फल वितरण किए जाएंगे और वैसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उन्हें पठन सामग्री, गरीब परिवारों के बीच वस्त्र वितरण और रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। बिहार के भागलपुर में होने वाले श्रावणी मेले को लेकर अजगैवीनाथ मंदिर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि मंदिर के स्थानापति महंत प्रेमानंद गिरी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में मंदिर के रंग रोगन का कार्य चल रहा है और साथ ही मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाने का भी कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कांवड़ियों को हर सुविधा मंदिर में मिलेगी। मंदिर के चारों ओर गंगा के आने के बाद कांवड़ियों को गंगा स्नान व बाबा अजगैवीनाथ के पूजन दर्शन में भी काफी सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा भी पूरी फुल प्रूफ रहेगी ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेला के दौरान अजगैवीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए कांवड़ियों को अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वहीं मंदिर में पेयजल की संकट उत्पन्न न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था की मांग की गई है।
स्कूलों में प्राचार्य शिक्षक व कर्मी बिना बताए रहेंगे गायब तो होगी सख्त कार्रवाई। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य शिक्षक व कर्मी के लिए सख्त आदेश जारी की गई है। शिक्षा विभाग छुट्टी खत्म होने के बाद राज्य के 41,000 प्राथमिक, 28,574 मध्य विद्यालय और 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खुलने पर सभी जिलों में स्कूलों में निरीक्षण अभियान शुरू करेगा। इस दौरान बिना सूचना गैर हाजिर पाए जाने पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों व कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यालय व जिलों के स्कूलों की जांच रिपोर्टों का मिलान भी किया जाएगा। यह निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों के साथ निदेशालयों के कामकाज की समीक्षा बैठक में दी है। स्कूल खोलने के बाद प्रत्येक दिन स्कूल में निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण में संबंधित विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षण कार्य और क्लासरूम का माहौल, मिड डे मील और उसके विमोचन में साफ सफाई की व्यवस्था आदि के बारे में पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर उसे मेल से मुख्यालय भेजेंगे। गया एयरपोर्ट से 559 हज यात्री पहुंचे मक्का। बीते दिन शनिवार को बिहार के गया एयरपोर्ट से हज यात्रियों का चौथा काफिला रवाना हुआ, जिसमें कुल 144 हज यात्री शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गया एयरपोर्ट से मक्का के लिए उड़ान की शुरुआत 7 जून से हुई है, जो कि 22 जून तक चलने वाली है, और 7 जून से लेकर बीते दिन शनिवार तक कुल 559 हज यात्री मक्का में हज के लिए पहुंच चुके हैं, जिसमें 341 पुरुष तो वहीं 228 महिला हज यात्री शामिल है। मालूम हो कि गया एयरपोर्ट के 5634 हज यात्री मक्का के लिए उड़ान भरने वाले हैं। वहीं 16 जून से मक्का के लिए गया एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट शुरू होने वाली है, जिससे कि हज यात्रियों की औसतन संख्या दोगुनी हो जाएगी और फिर अंतिम दिनों में एक दिन में 3 फ्लाइट खोले जाएंगे। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का 41% काम हुआ पूरा। मोइनुल हक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन से पटना वीवी तक भूमिगत खुदाई कार्य ने तेजी पकड़ ली है और अब तक करीब 40 मीटर खुदाई का कार्य लाइनिंग की गति के साथ पूरा कर लिया गया है, जबकि उसी जगह से लांचा दूसरी टनल बोरिंग मशीन भी 2 से 3 दिन पहले खुदाई शुरू हो गई है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्य निदेशक दलजीत सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना की मिट्टी की प्रकृति को देखते हुए शुरुआती दौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई के लिए साइट और टनल बोरिंग मशीन के बीच सामंजस्य बिठाना बहुत ही जटिल कार्य है, लेकिन परियोजना अधिकारियों द्वारा बहुत ही एहतियात बरतते हुए कार्य निर्बाध रूप कराने की कोशिश की जा रही है। कार्य निदेशक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक मलाही पखरी से ISBT तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में 41% तक कार्य पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर के 3 स्टेशन ISBT, खेमीचक और भूतनाथ रोड के लिए क्रॉस आर्म के इरेक्शन का कार्य शुरू हो गया है। कोर्ट पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिन अपने किसी न किसी पोस्ट या बातों को लेकर खबरों में बनी रहती हैं। बता दें कि एक बार फिर वह चर्चा में आ गई है, लेकिन इस बार वह न तो अपने किसी पोस्ट को लेकर और न ही अपने किसी बातों को लेकर चर्चा में आई है, बल्कि इस बार वह चोरी चुपके कोर्ट पहुंचने के मामले में चर्चा में आई है। दरअसल बीते दिन शनिवार को अक्षरा सिंह चुपचाप हाजीपुर सिविल कोर्ट पहुंची। मालूम हो कि जिस केस के सिलसिले में वो कोर्ट पहुंची थी वह बीते साल का है, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहुबली और दबंग मुन्ना शुक्ला के अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करवाया गया था, जिसमें अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी पहुंची थी। उसी दौरान विधायक के समर्थकों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा अभिनेत्री अक्षरा सिंह सहित मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनूप शुक्ला समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। मालूम हो कि इस मामले को लेकर बीते साल 10 नवंबर को वैशाली जिला अंतर्गत लालपुर थाना पुलिस के द्वारा अक्षरा सिंह के पटना स्थित आवास पर नोटिस भी चिपकाया गया था। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुई अक्षरा सिंह को जमानत दे दी गई है, क्योंकि उनका यह केस जमानतीय धारा के तहत आते थे। पटना के सार्वजनिक वाहनों में लोगों को मिलेगी ये नई सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के 2000 से अधिक कमर्शियल वाहनों में पैनिक बटन काम करना शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि अब गाड़ियों में लगे व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग और इमरजेंसी बटन को दबाते हैं कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगेगी और पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। मालूम हो कि इसकी निगरानी के लिए परिवहन विभाग के मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शुरू किया गया है, जहां से सभी सार्वजनिक वाहनों की चेकिंग की जाएगी। वहीं अब विभाग के द्वारा SOP जारी कर दी गई है, इसके बाद शिकायतें मिलते ही पूर्ण निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही समय समय पर जिला परिवहन पदाधिकारी खुद डिवाइस की जांच करेंगे और जिन गाड़ियों में इसको लगाया गया है वह ठीक से काम नहीं कर रहा होगा या बंद होगा तो रैंडम जांच में उस गाड़ी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार ने कुर्मी युवाओं को जाति प्रमाण पत्र देने और क्रीमी लेयर संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने जैसे गंभीर मामलों में मनमानी की है, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कुर्मी जाति का नहीं बल्कि कुर्मी छोटा नागपुर के OBC का जाति प्रमाण पत्र जारी करती है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। पिछले महीने बिहार सरकार के अधिकारियों ने कुर्मी जाति और क्रीमी लेयर मामले में गलती स्वीकार की, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई सुधार नहीं किया गया। उन्होंने
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने कुर्मी जाति के साथ साथ पिछड़े वर्ग के हजारों युवाओं को आरक्षण से वंचित कर दिया है और समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे नीतीश कुमार ने धोखा न दिया हो। बीजेपी की पोल खोलने के लिए अभियान चलाएगा जेडीयू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बीते दिन पार्टी मुख्यालय अंतर्गत जेडीयू के पटना जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना जिला जनता दल कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव की नीतियों को लेकर समग्र रूप से चर्चा की गई और साथ ही 15 जून को महागठबंधन की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन को लेकर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान इस बैठक में मौजूद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा गंभीर मुद्दों को लेकर बूथ स्तर पर भाजपा के केंद्र सरकार का पोल खोलने का संकल्प लिया गया, तो साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू की तरफ से हर स्तर के प्रभारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सारण छपरा सिवान ही नहीं पटना से यूपी की दूरी भी होगी कम। सारण सिवान गोपालगंज समेत यूपी के देवरिया गोरखपुर व पडरौना से पटना पहुंचने में अब काफी कम वक्त लगेगा। दरअसल आपको बता दें कि सोनपुर छपरा रेलखंड पर सोनपुर व परमानंदपुर स्टेशनों के बीच गोविंद चक रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी यानी रोड ओवरब्रिज बनाया गया है। आरओबी के चालू हो जाने से छपरा हाजीपुर फोर लेन और जेपी सेतु की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। आरओबी के शुरू हो जाने के बाद निर्माणाधीन छपरा हाजीपुर निर्माणाधीन फोर लेन सड़क से बजरंग चौक होते हुए वाहन बहुत कम समय में जेपी सेतु के सहारे राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। इससे महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटेगा और छपरा से पटना जाने में यात्रियों को जो 1.5 घंटे का समय लगता था अब वह आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। मालूम हो कि रेलवे क्रॉसिंग के बंद रहने पर अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब आरओबी शुरू हो जाएगा तो पटना की तरफ से आने वाले यात्री सीधे आरओबी के सहारे फोर लेन तक आ जाएंगे। अब दीघा से फोर लेन सड़क तक पहुंचने में मिनटों का वक्त लगेगा। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में जाएगा खेला। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन पिछले कुछ समय से बीसीसीआई और पीसीबी के बीच कुछ चल रही खींचतान और नोकझोंक अब दूर हो रही है। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अब एशिया कप 2023 से कुछ मैच पाकिस्तान में तो वहीं कुछ मैच श्रीलंका में कराए जाएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए पीसीबी के प्रस्तावित हाइब्रिड मॉडल को एशियन क्रिकेट काउंसिल की आगामी बैठक में मंजूरी मिलनी तय हो गई है। दरअसल पीटीआई के अनुसार आगामी 13 जून को काउंसिल की तरफ से इस टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ श्रीलंका में एशिया कप के मैचों का आयोजन कराने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि टीम इंडिया के सारे मैच श्रीलंका में कराए जा सकते हैं, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला भी श्रीलंका में ही देखने को मिल सकता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.05 रुपए और डीजल 94.77 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.82 रुपए और डीजल 95.50 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मोहम्मद सकीर हुसैन, नौसद अंसारी, बाबूलाल मरांडी, मुटू रंगीला, अजीत पोरस, आदित्य कुमार, उमेश ऋषिदेव, चंदेश्वर सिंह, रवि कुमार राम, कन्हैया कुमार, कुमारी संजना, अहमद, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में आज का अधिकतम तापमान क्या रहा। आपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।